दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई है। दिल्ली एनसीआर में भले कई दिनों के बाद धूप खिली, लेकिन शाम होते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड में थोड़ी और बढ़ोतरी होगी। इस बीच सुबह सुबह कोहरा और धुंध छाई रहेगी, लेकिन दिन में मौसम साफ हो जाएगा। वहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी तरह एनसीआर में भी मौसम साफ होने लगा है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 6.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज यानी मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ बताया गया है, जबकि गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है और मौसम साफ बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार रहने के बाद एक बार फिर से आज बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। बारिश के कारण AQI संतोषजनक हो गया था, लेकिन अब फिर से खराब होने लगा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और 307 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में AQI 94 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में AQI 89 है और इन दोनों जगहों पर AQI संतोषजनक श्रेणी में है। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। आज बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों और झारखंड, आंतरिक ओडिशा और उत्तरी तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में छिटपुट स्थानों पर बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। मौसम में और सुधार होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते 24 घंटों के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहे और अलग अलग स्थान पर बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।